वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे पर एहतजाज होगा। इस मरतबा वर्कर सरों पर कफन बांध कर घरों से निकलेंगे। बानी पीटीआई की कॉल पर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ अपने लीडर की रिहाई के लिए पेश कदमी करेंगे। इस मरतबा वर्कर्स घरों में बताकर जाएं कि वापस तब आएंगे जब बानी को रिहाई मिलेगी। अली अमीन गंडापुर ये भी कह चुके हैं कि 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो सिर्फ 1-2 किए हैं। सूबे की मशीनरी लाना उनका हक है, अब भी लेकर आएंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान भी गुज़िश्ता रोज़ कह चुके हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई से डायलॉग की बात की। बानी ने इससे इत्तफाक किया मगर कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एहतजाज है। खुद बानी पीटीआई ने कई दिनों बाद सहाफियों से बातचीत की। उनकी बातों से साफ तौर पर आया है कि उनका मौकफ मजीद गैर लचकदार रवैये है। हुकूमत अदलिया हाल ही में होने वाली कानून साजी पर तनकीद करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि वो अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को ये पैगाम देते हैं कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और न हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। यूं बानी पीटीआई की बातों और 9 नवंबर की एहतजाजी कॉल से साबित हो रहा है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से बानी की खामोशी बुश हबीबी और अलीमा ख़ान की रिहाई के बाद रवायती और गैर रवायती मीडिया के कई सेगमेंट्स की तरफ से जिस तरह की कयास आरायाँ की जा रही थी वो फिलहाल पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसा दिखाई दे रहा है कि 26वीं तरमीम और सोमवार को होने वाली कानून साजी के बाद पीटीआई के दूसरे ऑप्शंस महदूद से महदूदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा और क्या ऑप्शन बचता है। मगर ऐसे में फिर एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि अली अमीन गंडापुर कफन बांध कर एहतजाज करने की जो कॉल दे रहे हैं कि अब की बार पीटीआई वर्कर्स उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। इस सवाल का जवाब हमारे पास होना हो मगर इस सवाल का जवाब हर किसी के पास है कि अगर अब की बार भी गंडापुर ने कारकुनों को डिच किया और उन्हें अलिफ लैलवी दास्तानें सुनाना शुरू कर दी तो इसके बाद पीटीआई का ये एहतजाज का ऑप्शन भी उसके पास नहीं बचेगा। क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा देर के लिए भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हमाद गज़नवी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कफन बांध कर घरों से निकलें, गंडापुर 17 हमले भी याद करवाने लगे। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऑप्शन को भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं? ज़ैम खान साहब, ये जो हिकमत अमली है पहले भी गुफ्तगू होते रही और अब एक बार फिर कह दिया गया है कि कफन बांध कर निकलें, घरों से बता के आएँ कि वापस कब आएँगे, 17 हमले याद करवा रहे हैं। एक एहतजाज जो है वो हक है, जमहूरी हक है, मगर जिस किस्म के एहतजाज गंडापुर साहब ने किए हैं पीटीआई को लीड करते हुए, इरादतन कर रहे हैं कि एग्जॉस्ट हो जाए, इस ऑप्शन में से भी कुछ ना निकले और लोग निकले ही ना बाहर। देखिए, अगर पिछली दफा अली अमीन गंडापुर साहब ने कफन बांधा होता तो मारगला में उसे कोई लिफ्ट ना देता, क्योंकि हर गाड़ी वाला ये समझता कि ये कोई भूत है, डर जाते, कोई उनको लिफ्ट ना देते। और 8 ज़िलों से गुजरते हुए या पता नहीं कितने ज़िले थे जिनको क्रॉस करके वो पिशावर पहुंचे थे, वो ना पहुंच सकते। ये जो कफन बांधा जाता है ये जंगों के लिए बांधा जाता है, मुजाहरों के लिए नहीं बांधा जाता। मुजाहरे आप प्लान करते हैं तो आप पुरअमन मुजाहरे प्लान करते हैं, दूसरी साइड से कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आप कफन बांध के नहीं जाते, आप लोगों को मरवाने नहीं जाते, आप मारने भी नहीं जाते तो आप मरवाने भी नहीं जाते। मुजाहरे हमेशा पुरअमन करने की प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह की वायलेंट लैंग्वेज, और फिर देखिए वही बात, वो नैरेटिव जिस पर पहले ही हम एतराज कर रहे हैं, सब एतराज कर रहे हैं कि यलगार का नैरेटिव। देखिए, हमें तो चौधरी साहब ने यहां वो बात करने से भी मना किया और बहुत अच्छी तरह मना किया कि ये बात करना ही नामुनासिब है कि हम यलगार की बात करें कि सूबा फेडरेशन पे यलगार कर रहा है या एक पार्टी यलगार कर रही है। लेकिन एक सूबे का जो सरबराह है, वजीर आला, वो कह रहा है कि मैं महमूद गजनवी बनकर आऊंगा जिसने 17 हमले किए थे। भाई, आप किधर से आएंगे और किधर को हमले करेंगे? आप जिधर आ रहे हैं आप वहां की भी पार्टी हैं, वहां की भी बहुत मकबूल जमात हैं। आप कोई तुर्क तो नहीं है ना जो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान को फतह करने निकले हैं? और बाय द वे, गजनवी साहब भी आए थे तो पहली जो उसने रियासत तबाह की थी मुल्तान की, वो मुसलमानों की रियासत थी। तो
आप तो एक सूबे के हुक्मरान हैं, एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, जहां आप यलगार करने आ रहे हैं वहां की भी पार्टी है, खुदा के वास्ते ये किस तरह की लैंग्वेज है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने जो समझाया है वो बिल्कुल ठीक समझाया है, प्रोटेस्ट के पीछे कोई आपकी स्ट्रेटजी होती है, प्रोटेस्ट शुड फीड इन टू समथिंग। जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं, अगर आपका जहन स्ट्रेटेजिक हो, आप बाकायदा प्लानिंग करना सीखे हो, तो आप सोचते हैं इसका आउटकम क्या है, इससे आपने निकालना क्या है, हासिल क्या करना है, आपका हदफ क्या है। सबसे पहले तो आप हदफ का तायुन करते हैं ना। देखिए सलमान अकरम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा कि भाई 20,000 बंदे लेकर आओगे तो इनको पिटवाओगे, 2-4 हजार को पकड़वाओगे, उनका सत्यानाश करोगे, फिर वापस जाओगे, लीडर सामने आते नहीं हैं, वर्कर्स बेचारे जो चार्ज हैं, जो कमिटेड हैं, उनका ज़ियाउर साहब कतई कलामी की माज़ जब आपने खुद कह दिया कि यलगार की लैंग्वेज क्यों, तो फिर तो वो सवाल का जवाब खुद आ गया कि हदफ क्या है। हदफ फिर उस ऑप्शन को ही एग्जॉस्ट करना है क्योंकि वो कुछ और कर नहीं पा रहे उनको, क्योंकि आज भी जो गुफ्तगू सामने आई बानी पीटीआई ने सहाफियों से, गैर लचकदार मौकफ है और एहतजाज के ऊपर इजहार है फ्रस्ट्रेशन के थ्रू, आपको लगता है आगे बढ़ रहे हैं, वहां से पुश है कि निकलो निकलो, लोग निकल नहीं रहे, तो गंडापुर साहब सिर्फ नारे दे रहे हैं और फिर खुद भी गायब हो जाते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन भी ना बचे इनके पास। मुझे नहीं मालूम कि वो इस तरह की उनकी नीयत है या उनकी इंटेंट क्या है, मैं तो उनके एक्शंस को रीड कर सकता हूं। देखिए जो हो सकता है, जो आप प्लान करेंगे, अगर मैं पीटीआई में होता, आप पीटीआई में होते, तो मुजाहिरों का मकसद तो ये होता है ना कि अपनी आप पॉपुलैरिटी शो करें ताकि दूसरी साइड आपसे बात करने पर मजबूर हो जाए, कोई रास्ता निकले। आप हमला करके कब्जा तो नहीं कर सकते ना, कौन सी पार्टी है जो आके रियासत पर कब्जा कर सकती है, वो तो इनकलाब होता है। क्या आप बाल्शेविक पार्टी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ऐसे आपके कार्डर हैं, मुसलमान लोग हैं। फिर मैं कहूंगी सर, ये जमात तो पिछले 10-12 साल से एहतजाज ही प्लान कर रही है ना, 10-12 साल से एहतजाजों के अलावा, धरनों के अलावा, सड़कें बंद करने के अलावा, चलें कभी हासिल हुसूल हो गया होगा, लेकिन हासिल क्या कर रहे हैं अब इस वक्त, अगर इनको ही नहीं धरना प्लान करना आ रहा है, एहतजाज प्लान नहीं करना आ रहा, तो फिर किसको आएगा। देखिए जब हालात आपके साजगार हों, आपको जमहूरी हकूक मिल रहे हों, जब प्रोटेस्ट के साथ कोई ज्यादती ना हो रही हो, तो ठीक है, प्रोटेस्ट करना आपका जमहूरी हक है। मेरे ख्याल में ये हक उनको डिनाई किया जा रहा है, लेकिन आप एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, जब आपको डिनाई किया जा रहा है तो आप उस मजलूमियत के कार्ड को खेलें, आप उस तरह का प्रोटेस्ट करें, उस लेवल का प्रोटेस्ट करें जिसमें आपका नुकसान कम से कम हो, या उस वक्त का वेट करें जब लोग खुद ब खुद इतनी बड़ी तादाद में निकलने को तैयार हों। इस वक्त जो रास्ता अवेलेबल है आप उसको करने की कोशिश करें। आप उस जब वायलेंट प्रोटेस्ट आप कर ही नहीं सकते, यलगार आप कर ही नहीं सकते, तो क्यों आप लोगों को फंसवा रहे हैं, क्यों नुकसान कर रहे हैं। आप वो जमहूरी तरीका निकालें जो जमहूरी तरीका मुनासिब है, आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आप कोई नया रास्ता निकालें, कोई नया रास्ता। आप इस तरीके से अपनी एनर्जी क्यों जाया करते हैं।